सबा को भी बड़ा शौक है, अगर वो आ गई तो, अगर वो ना आई तो फिर डानियल सुबह। आप बुलाए और हम ना आए, कैसे हो मैंने सकता कहा है? पता नहीं तुम किस हालात में बैठी हो कि तुम। नहीं You know that I am a big fan of yours. Yeah. You नहीं थैंक यू थैंक यू। know मैं आपका that. फैन और हूँ इतना ऐसे। खूबसूरत कलाम था, मैं कैसे न सुनूं? क्या नहीं नहीं खूबसूरत आवाज और कलाम है, माशाल्लाह, थैंक यू सो बड़ी मच। थैंक यू फॉर शो है. ज्वाइनिंग अस। इकबाल का मैं इनको सुना रहा था, मैंने ये दोबारा पढ़ा पिछले दिनों और मैं बिल्कुल उसमें जो मजा था वो बड़ा। तो वो कहता है कि तेरे मकाम को, यानी कि इंसान को कह रहा है कि तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, कि सितारों के पढ़ने वाले जो हाल है उनको क्या जाने, कि खाक ही जिंदा है तू ताबे सितारा नहीं, कि यूर फ्लाइंग डस्ट फ्लोटिंग डस्ट विच इज बियॉन्ड द स्टार्स। I अब get ये it. तो ये समझना, ये बड़ा जबरदस्त है जो आगे कहता है। यही बहिश्त है हूर और ये जिब्राइल बहिष्ट, भी है, यही बहिश्त है यही हूर और बहिष्ट. जिब्राइल भी है। बहिश्त यानी कि जन्नत। ना यार, अल्लामा साहब कह कि यही जन्नत है, हूरे भी इधर ही है जिब्राइल भी इधर ही है, तेरी निगाह में अभी शोखी नजारा नहीं। बेशक मैं समझ गई. सुभान यानी अल्लाह, कि खूबसूरत तुम्हारी है, सही नजर, निकला, तुम्हारी परसेप्शन लिमिटेड है, उसमें अभी वो लिमिटेड है. शोखिया नजारा नहीं, तो सब कुछ इधर ही है। या यू नीड टू यू नो जस्ट ओपन योर माइंड ओपन अप। योर माइंड. हाँ, ओपनिंग. यस या ये मैं नहीं कह रहा, बाय द वे अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझ अच्छा गई, हम जी सब समझदार हैं. हाँ, सब बात अच्छा जी, फिर कहते हैं मेरे जुनून ने जमाने को खूब पहचाना। अच्छा ये डिस्कशन मैं बताना चाहता हूँ कि ये कल किस तरह हम इस चीज पे आए। मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे एक प्रोफेसर ही हैं इसरार साहब चिश्ती साहब, तो हम बात कर रहे थे कि जब इंसान तसव्वुफ के रास्ते पे जाता है तो वो इतनी एक दुनिया इस तरह की है कि उसमें अगर इंसान को समझना है तो कई दफा वो खो भी जाता है उसके अंदर। और कई आप लोग देखते होंगे जिस तरह फकीर, या कई लोग बल्कि सड़कों पे कपड़े फटे हुए चल रहे हैं और गुमे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि बर्बाद. क्या, बिकॉज एक और रेल खुल जाता है, अगर इंसान में ताकत ना हो उसको समझने की तो वो समझ नहीं पाता। तो कहते हैं अल्लामा कि मेरे जुनू ने जमाने को खूब पहचाना, मेरे जुनून ने जमाने को खूब पहचाना, वो पैरहन मुझे बख्शा के पारा पारा नहीं, के सुभान अल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत. मैं इतना लकी हूं कि जो मुझे, मेरी जो समझ है वो ऐसी मुझे अता हुई कि मेरे जो हाँ, कपड़े हैं वो फटे हुए नहीं है। मैं वो फकीर हूं जिसके जिसको आगे कहते हैं आखिरी गजब है ऐन करम में बखील है फितरत, गजब है ऐन करम में बखील है फितरत। यानी बहुत हैवी डीप है ये। देखिए गजब है ऐन करम में बखील है फितरत, स्पाइट ऑफ नेचर, के नेचर का निजाम इतना, उस नेचर को देने के लिए इतना कुछ है लेकिन फिर भी उसने अपनी एक लिमिट रखी हुई है, उसने एक कंजूसी की हुई है थोड़ी सी, कि लाल नाब में आतिश तो है। लाल नाब यानी कि लाल हीरा समझ लें आप, रेड कलर का, रेडिश रूबी के ला, और ये इस पूरी कायनात को, ये दुनिया को कह रहे हैं लाल नाब, कि लाल नाब में आतिश तो है शरारा नहीं, कि खूबसूरत. इतना कंट्रोल्ड, हाँ, इतनी आज तो कंट्रोल्ड वो है चीज है कि वो। तो ये हम लेकिन डिस्कस कर रहे थे, एक चीज बड़ी खूबसूरत थी। मैंने कहा कि वेरी नाइस. अच्छा है, तुम थोड़ा सा बताओ कैसी तुम्हारी। स्पिरिचुअल भी होना चाहिए. आई एम गुड, आई एम प्रीटी वेल. अच्छा स्टेइंग होम, ईटिंग, वॉचिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, टेकिंग क्लासेस, बट नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. बट या, गुड, दैट्स माशाल्लाह, वेरी गुड. यू लुकिंग फ्रेश एंड ग्लोइंग बिकॉज़ एंड आई एम ऑन कोरोना वेकेशन, दैट्स व्हाई. वी आर ऑल ऑन कोरोना वेकेशन, पर अल्लाह खैर करे. इट्स अ गुड हाँ, डिटॉक्स आल्सो। पता है इस तरह कई चीजों का एहसास भी होता है और इंसान अपने आप से कनेक्ट करता बहुत है। अली, मैं आपको बता रही हूँ, इतना एहसास हुआ है क्योंकि मैं इतना काम कर रही थी. आई डिडंट हैव अ सिंगल डे ऑफ, लाइक एवरी डे आई वाज वर्किंग, लाइक काम 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 काम. वेब सीरीज की शूट है, टीवी की शूट है, ट्रैवल कर रही हूँ, आगे फिल्म की शूट प्लान है, सब कुछ तो मुझे ही हो रहा था.
मैंने मिशी से कहा कि मिशी वो कौन सा दिन आएगा जहां मैं 8 घंटे की नींद पूरी कर सकूं। अल्लाह मियाँ ने कहा कि दूर नहीं वो ये लो। नींद। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, चूंकि तुम बड़ी तुम्हारे जो सही होता है तुम वही बोलती हो, तुम डिप्लोमेटिक नहीं होती। ये जो सारा कुछ हुआ है, जैसा तुम भी एक्टर हो माशाल्लाह, तुम्हें इतनी इज्जत दी अल्लाह मियाँ ने, कहाँ कहाँ जाके काम नहीं किया, एंड यू आर सच अ फैंटास्टिक एक्टर। मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया, मुझे बताओ इस सारी सिचुएशन के बाद बहुत काम किया, जो ये जो सारी चीज है हमारा इंडस्ट्री और शोबिज और हमारी ये ग्लैमरस लाइफ और ये सारा कुछ है, एकदम से किसी किसी चीज का कोई माने रहता है, कुछ लगता है कि जिस चीज के पीछे कई नहीं रहता? एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड। सी वी हैव एवरीथिंग नाउ, बट हमारे किसी काम का नहीं है। आज गाड़ियां है, अच्छे घरों में रह रहे हैं, खाने के लिए सब कुछ है, मगर इतना खौफ है रिश्तों का, कैसे काम का। डेली लाइफ में हम पागलों की तरह काम कर रहे थे, हमारे अल्लाह ने ना एक पॉज का बटन दबाया, हेलो किन हवाओं में हो, थोड़ा सा धीमे, थोड़ा खुद को तो देखो, जानो तो सही कि तुम्हारी औकात क्या है, हम लोग कहाँ है, हम लोग क्या समझते हैं खुद, क्या हमारी प्लानिंग थी, क्या सोच रहे थे। तो एक सेकंड के लिए जो हिला दिया है ना अल्लाह ने, वो जो रियलाइजेशन है, जो जो क्या उसे कहते हैं, कदर हुई है चीजों की, लोगों की, आजादी की, कि हम असल में, असल में कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम किस लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस है, और दूसरा ये कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है और लोग भी ये समझते हैं। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड और तुम बताना तुम उसे एग्री करती हो कि नहीं, यार देखो आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितने मशहूर हो, आपकी कितनी आपके पास गाड़ियां हैं, फिल्में आ रही हैं, गाने के, ये सब चीजें आपको प्रॉमिस नहीं करती हैप्पीनेस और कंटेंट। हैप्पीनेस और कंटेंट आती है जब, मुझे तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आप किसी को खुशी देते हैं, जब किसी के लिए कुछ करते हैं, सबसे ज्यादा खुशी उसमें मिलती है। यहाँ पे चार दोस्त आपके, जो बिल्कुल सिंपल आपके चार दोस्त हैं, वो अच्छी सी कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, हंसी मजाक हो रहे हैं, चार दोस्त भी ना हो, वो एक दोस्त, एक भी हो जाए तो बड़ा, बिल्कुल सही बात है, एक भी हो जाए तो बड़ा ब्लेसिंग है, बिल्कुल ऐसे ही। पर हाँ, पर आई फील कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ना दिल में बातें रखो, ना किसी के ग्रजेस होने चाहिए। देखिए लाइफ कितनी छोटी है, इस सब को मैं कहती हूँ, ना गोरा ना काला, ना पंजाबी ना, हम सब एक साथ खड़े हैं। पूरी अल्लाह मियां ने पूरी दुनिया को कहा है कि तुम सारे इक्वल, इस बराबर हो। कौन है किसी प्रेसिडेंट से लेके, तो कोई अगर मजदूर है या प्रेसिडेंट है, कोई गरीब मुल्क है, कोई अमीर मुल्क है, किसी की कितनी तनख्वाह है, कितनी तनख्वाह है, सब बैठ के घर में डर के बैठ के उन्होंने कहा कि जरा सोचो। इसलिए मैं चाह रहा था कि लोगों के साथ भी इस तरह की चीजें शेयर की जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोगों को थोड़ी सी सोच, अपनी थोड़ा दिमाग खोलने की बहुत जरूरत, थोड़ा सा जज ना करें, थोड़ा दिमाग खोलने की बहुत जरूरत, थोड़ा सा दिमाग खोलने की बहुत जरूरत। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव थी वलीद के साथ, तो मैंने कहा आर पीपल आर नॉट यू नो ओपिनियनेटेड, दे डोंट हैव देयर ओन ओपिनियन, वी आर फॉलोअर्स, किसी ने कुछ कह दिया या कहीं पढ़ लिया तो हम बस बगैर सोचे समझे, हम यही देखेंगे, हमारी अपना पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी अपना अपना विजन बहुत जरूरी, अपने आप को। दूसरी बात कि हम ये भी चाहते हैं कि हम ही ठीक हो, हमें सब पता है, और जो हम कह रहे हैं हमारा पर्सपेक्टिव वही सही है, दूसरा जो है वो उसको उसको कुछ और सब अल्लाह मियाँ, और सब अल्लाह मियाँ भी बन गए हैं, सब ना अल्लाह मियाँ बन गए हैं, अल्लाह माफ करे, सब अल्लाह मियाँ क्यों बन गए हैं, क्यों जज करते हैं, किसी को जज करने का, किसी को जज करने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, किसी को जज नहीं कर सकता कि किसी के दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है, जो है। सबसे हटके क्या कर रहे हैं आप, कैसे गुजर आपका क्वारंटाइन? यार मैं, मुझे तो एक ही काम थोड़ा बहुत आता है, गाने गाने मुझे कौन सी गुलाबी आंखें, गुलाबी आंखें, यस
Bye. Take care. Bye. Bye. Bye.